ये इधर मेरे कपड़ों का ढेर चेक करें ज़रा काम सो करने वाले पड़े हुए हैं और एनर्जी बिल्कुल लो ही बड़ी है जीरो एनर्जी है बिल्कुल हिम्मत हो ही नहीं रही उतने की काम करने की अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब आई होप कि सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे तो जी आज का व्लॉग ये है ये से एक दिन पहले का और आज है चांद रात और बहुत ही बिजी दिन गुजरने वाला है आज का बहुत ज़्यादा काम है आज करने वाले और बस हिम्मत फिर दोबारा करनी पड़ती है उठने की और उसके अलावा ये है अभी सुबह मैं मास्क बनाने लगी थी बच्चों के लिए हेयर मास्क और प्रोटीन मास्क है ये बहुत ही बेस्ट होता है बच्चों के हेयर्स के लिए आजकल बच्चों के बाल जो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हैं क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा शैम्पू करना पड़ता है बच्चों के बालों में तो फिर इस वजह से अभी मैं ये मास्क बना रही थी इसमें अंडा डाला है दही डाला है और उसके अलावा सरसों का ऑयल डाला है और थोड़े से ड्रॉप में इसमें डाल देती हूँ कैस्टर ऑयल के उससे भी बाल काफ़ी हेल्दी होते हैं और घने होते हैं उससे बाल और उसके अलावा आप लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और अभी यहाँ पे हद देखें कि मेरे कपड़े अभी तक सिलाई हो रहे हैं और उसके अलावा हानि और हुसना के सेम ड्रेसेस मैंने स्टिच करने थे पहले से मैंने सोचा हुआ था लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि इस दफ़ा मैंने अपने सारे ड्रेसेस को खुद स्टिच किए हैं और उसके अलावा दूसरे बच्चों के भी सारे जो समर्स के ड्रेस थे वो खुद ही स्टिच किए हैं तो अभी फिर एंड टाइम पर मैंने सोचा कि यार ईद का सारा प्लान जो मैंने बनाया हुआ था कि एक जैसे ड्रेस पहनाऊँगी तो फिर वो ख़राब हो जाना है तो फिर मैंने सुबह उठते ही ये ड्रेस स्टिच किए हैं और आज मैंने चार ड्रेसेस इनके स्टिच किए हैं दो दो सेम हैं और मतलब चारों जो हैं वो सेम हैं इनके दो फ्रॉक्स हैं और दो कुर्ते हैं और अभी ये फ़िलहाल फ्रॉक स्टिच हो रही है फिर उसी वक्त मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और फौरन से कुर्ते स्टिच करने लग गई ये कुर्ते तो इस वरह से लेट हुए ये तो मैंने फ़ाइनली स्टिच करने ही थे लेकिन फिर ये एम्ब्रॉयडरी के लिए दिए थे तो इस वरह से लेट हो गई और अभी यहाँ पे देखें सफाइयाँ मेरी पड़ी हैं करने वाली सोफे आगे करके रखे हुए हैं और और क्या है कि दगड़ मगड़ बजी हुई है ये देखें मैं ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे रोज़ अभी सफाई होती है और ये हालात चेक करें बच्चे कभी कुछ फेंक रहे हैं कभी कुछ फेंक रहे हैं सारा कुछ उठा के मैंने रखा है और अभी सारा धोना है और उसके अलावा सैफ को मैंने लगाया हुआ ईद की ये मैंने कहा कुछ होम डेकोरेशन हो जाए अच्छी लगती है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए घर जो है वो आम रूटीन से थोड़ा सा डेकोरेट हो तो काफ़ी अच्छा लगता है ईद के त्यौहार पे तो ये कॉर्नर में पड़ा होता है बंश तो मैंने इसका आइडिया ये सोचा था कि ये जो लाइट की लड़ी होती है ना फेरी लाइट्स होती हैं वो इसके ऊपर इस तरह से राउंड डाउन कर दें इसके ऊपर सारे लपेट दें तो फिर वो काफ़ी खूबसूरत लगेगी तो इस तरह से अभी मैंने यही ये इधर लड़ियाँ मेरे पास काफ़ी देर से पड़ी हुई थी ये जो सीपियाँ होती हैं तो इनको भी अब मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है कुछ हल्की फुल्की डेकोरेशन हो जाए तो काफ़ी अच्छी लगती है और इधर बच्चे पिज्ज़ा इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि सुबह से मुझे कुछ पकाने का टाइम नहीं मिला और अभी यहाँ पे ईद के लिए डिज़र्ट बनने लगा है जो सुबह नाश्ते में सब खाएंगे और अभी मैंने दूध रखा है बॉयल होने के लिए तो फिर इससे बहुत ही मज़े मज़े का डिज़ल्ट तैयार करेंगे अभी फाइनली मैं मशीन से उठी हूँ और साथ ही मैं किचन में आ गई हूँ और ये देखिए अभी हमारी डेकोरेशन भी ये मैंने अपनी छोटी सिस्टर को इस काम पे लगाया था कि मुझे इस तरह की ये क्या इसको बोलते हैं पेंटिंग या फिर इस तरह के कुछ ड्राइंग वगैरह करके दे वो आजकल फ्री है तो उसने उसको जिस तरह की आती थी उसने कर दी है तो ये कार्ड से तो ये मैंने इस तरह से लगा दिए हैं और बाकी ये इधर लाइट्स लगाई हैं ये देखें इस तरह से लाइट्स ऑफ करके काफ़ी ख़ूबसूरत लग रही थी ये ये देखें इस तरह के हल्के फुल्के डेकोरेशन हो जाए कोई भी आइडिया आपके माइंड में है तो कर लें तो इस तरह से आपका भी मूड फ्रेश हो जाता है और ईद वाले दिन जब भी कोई गेस्ट आता है आपके घर तो उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि घर में थोड़ी सी चेंजिंग हुई हो तो ये फेरी लाइट्स अभी मैंने ली थी पहले पड़ी हुई थी लेकिन वो खराब ख़राब हो गई थी तो फिर ये दो लड़ियाँ मैंने ली थी तो इनको इस तरह से लगा दिया है क्योंकि हमारे घर में जब ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा यूज़ होता है नीचे वाला पोर्शन जो है वो तो बिल्कुल खाली रहता है तो ऊपर आते ही इंटरेस्ट में मैंने ये लगा दी हैं सामने ही ये हमारी खिड़की है कमरे वाली तो वहाँ पे इस तरह से मैंने इसको ये डेकोरेट कर दिया है कि जब भी कोई ऊपर आएगा तो सबसे पहले उसकी नज़र इस पर पड़ेगी और ये हमारा बहुत ही मज़े का डिज़र्ट तैयार हो गया है ये मैंने एक एक रेसिपी से दो डिज़र्ट तैयार कर लिया बहुत ही मज़ेदार से रेसिपी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी ये रेसिपी आपको मेरे कुकिंग चैनल पे मिलेगी और ये दे... शाही टुकड़ा इसको बोल सकते हैं या कुछ भी बोल लें ब्रेड डिज़र्ट है बहुत ही मज़े के बनते हैं ये और अभी फ़ाइनली मैंने इनको डेकोरेट कर लिया है और अब ये रखेंगे फ्रिज में और सुबह फिर जब अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएंगे तो फिर बहुत ही मज़े के लगेंगे और ये मेरी अम्मी ईद ले आई थी मेरे लिए इसमें फेलियाँ हैं बहुत ही अच्छी फीलिंग्स होती हैं ये और अभी एंड पे एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है और अभी रात के दो बज रहे हैं और अभी एंड वाला काम ये रह गया था स्किन केयर का बहुत सारा कुछ बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए स्किन केयर भी ज़रूरी है घर को सजाना भी ज़रूरी है और अभी ये मैंने क्लेंज़र लिया है उसके बाद ये देखें एंड पे लग रही है मेहंदी सिंपल सी मुझे ज़्यादा कोई मेहंदी लगानी आती तो नहीं है ज़्यादा डिज़ाइनिंग तो बस बोंगियाँ सी मार लूँगी लेकिन यह है कि ज़रूरी है मेहंदी लगानी चाहिए लाजमी लगानी चाहिए चाहे आपको आती है या नहीं आती लेकिन थोड़ी बहुत हाथों को लाल कर लें अच्छे लगेंगे ईद पर तो बस यहाँ पे वीडियो कैंट करती हूँ आई होप कि आज का व्लॉग मेरा छोटा सा आपको पसंद आया होगा और मेरी तरफ से आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ईद की खुशियाँ सबको नसीब करे और सब अपने अपनी फैमिली में सबके साथ अपने प्यारों के साथ खुश रहें आबाद रहें हमें भी दो में याद रखिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़